वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मनाए। हमारे मेहमान हैं इकराम सहगल साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एंड राइटर। सहगल साहब, ये हमने स्केच कर लिया कि आपके मुताबिक इन्होंने जानबूझ के जानबूझ के हमारे लोगों पे हमला किया। ये 24 लोग कोलैटरल डैमेज थे या फिर ये एक मुंतजम एक तरीके का एक साजिश का हिस्सा बन गए। ये जाने जो हैं ज़ाया होनी पड़ती हैं बड़े बड़े जब मुल्क एक दूसरे को मैसेजेस देते हैं। हमारा जवाब उसी तरह का होगा जिस तरह के हमने पहले जवाबों का दावा किए हैं, या ये नेटो सप्लाई लाइन अब बंद रहेगी, शमसी एयरबेस खाली हो जाएगा, बाकी हमारी इन्वॉल्वमेंट इनके साथ ख़त्म हो जाएगी, हम इनको इजाज़त देना बंद कर देंगे इनकी कार्रवाइयों के लिए, हम क्या करेंगे? देखिए, मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। मेरी राय, और ये आज का नहीं, मैं बड़े सालों से ये कहता रहा हूँ कि हम अकेले मुल्क एक हैं जो ट्रांज़िट फीस नहीं लेते। अब पूरी दुनिया में जाएं, वो या गाड़ी जाए या गैस जाए या तेल जाए पाइपलाइन जाए, वो आपसे ट्रांज़िट फीस लेते हैं, इलाके का किराया लेते हैं, दूसरी बात, अगर आपके रोड इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपको वो कंपनसेशन करते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ वेयर एंड टेयर ऑन द रोड्स। हाँ, ये तुर्की ने किया था ये, जी देखिए, और ठीक ठाक उनने किया था, ठीक है, इसके उसके नाम के अंदर मतलब रोड के वेयर एंड टेयर की बुनियाद पे वो पैसे लेते हैं, बट पैसे लेके आपको, देखिए ना, तुर्की ने तो अपनी वो मोटरवेज बना दी ना उससे, ठीक है जी। लेकिन सहगल साहब, माजरत कतअ कलामी की, लेकिन ये $1.5 अरब जो सालाना हमें चंदा मिलता है, ये इसीलिए तो है? नहीं, देखिए, $1.5 अरब जो मिलता है उसके अंदर बड़े लोग को इस पर एक सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मुझे भी था, मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैंने जाके काफ़ी रिसर्च करके पता करके किया कि इसके अंदर मैक्सिमम जो है ना जी, वो कोएलिशन सपोर्ट फंड्स हैं, और कोएलिशन सपोर्ट फंड इसलिए कि जो आपके खर्चा हो रहा है और आप जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं वो आपको मिल जाता है, वो आपको मिलता है, और वो भी आपको पूरा नहीं मिलता क्योंकि वो उसमें काट कंसल्टेंसी चली जाती है जल्दी। और दूसरा, इक्विपमेंट जो आप लेते हैं, देखिए, आपको टोटल जो अभी तक आया ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, मैं 12 या 13 बिलियन डॉलर्स आया फॉर दी जो आपको मिलिट्री सपोर्ट, उसके अंदर खाली तीन चार बिलियन डॉलर जो था वो कोलिशन सपोर्ट फंड का आया, और बाकी जो आया $1-2 बिलियन वो आपके इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट्स आए, फिर बाकी जो है उसका तो वो तो आया खाते में, फौज को नहीं मिला कभी जी। वो मुशर्रफ साहब खा गए थे बजटरी सपोर्ट, वो बजटरी सपोर्ट के लिए जो आपको वो था ना फील गुड इकोनॉमी, तो आप 60 रुपए पे डॉलर है तो डॉलर 60 रुपए फील गुड इकोनॉमी कि आप मोबाइल टेलीफोन दे दें, आप फ्रिजेस दे दें, आप ये दे दें, लेकिन आप पावर स्टेशन बनाए ना, टैक्स रेट 1% रखें, सो फील गुड था कि भाई एवरीबॉडी इज हैविंग अ नाइस टाइम। अल्टीमेटली, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसके बाद आई है, दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दी जो फील गुड इकॉनमी मुशर्रफ साहब के ज़माने में। सहगल साहब, करें क्या आप, पैसे बनाएं इस वाक़े से? देखिए, मैं माज़रत मांगे इस वाक़े पे, गैरत जगाएं। देखिए, मेरे कॉन्ट्री टू प्रोपेगेंडा ये करते हैं, एंड वेरी मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा, कि 30% पाकिस्तान के थ्रू जाता है, ये गलत है। अबाउट 58-60% गोज टू पाकिस्तान। ये नेटो की सप्लाई की बात कर रहे हैं? सप्लाई की बात सर, ये पहले इतना नहीं होता था, अब कम हो गया? पहले तो इससे बहुत ज़्यादा था ना जी, 80-20 था। वो मैं बताता हूँ जी कि क्यों नहीं हो सकता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हैवी चीज़ें होती हैं, वो पहाड़ों के थ्रू जानी, वो आपको लाना पड़ता है। दूसरी ऑयल होती है, यू नो, JP-1 बोलते हैं, जेट फ्यूल, वो उसमें ये होता है कि जी वो पाकिस्तान के थ्रू जाता है वगैरह। तो देखिए, वो जो लाते हैं ना थ्रू देयर, दैट थिंग इज बेसिकली लाइटर वेट मटीरियल, तो वो मिक्स जो है वो वहाँ से ला ही नहीं सकते वहाँ से। सहगल साहब, माजरत से फिर से बात काट रहा हूँ, मुझे एक बात याद आई, मेरे एक दोस्त हैं, वो शिपिंग में काम करते हैं, उन्होंने मुझे एक इलाके का वाकया बताया, कैंप बैस्टियन है सदर्न अफगानिस्तान में, जिसको ये फोर्ट बना के जाएंगे, कैनेडियन जिसको संभाल रहे थे, और फिर अमेरिकनों ने कैनेडियन से ले लिया ये बेस, और जो इनका ये फ्यूल और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में से डगमग करते हुए जब निकलती है और बैस्टियन के करीब पहुंचती है, तो वो फिर रिश्वत देते हैं तालिबान के कमांडर को कि हमें आगे जाने दो, जिस रिश्वत का कैंप बैस्टियन को इल्म है, और फिर जब ये इनके सप्लाइज पहुंच जाते हैं कैंप बैस्टियन, तो उसी तालिबान कमांडर से लड़ते हुए सोचते हैं कि इसके पास पैसे कहाँ से आए। तो ये कुछ इसी तरह का हिसाब? बिल्कुल जी, इसी तरह का हिसाब ये है कि खाली वो तालिबान खाली नहीं होते, इनके अपने लोग भी हैं। देखिए जी, अफगानिस्तान इज़ अ प्रेडेटर सोसाइटी,
एग्रीकल्चर उनके पास नहीं है, इंडस्ट्री उसके पास, एक दूसरे का शिकार करते हैं। तो ठीक है, वो करते ये हैं कि हर जगह वो हर 10 माइल पर ऑक्ट्रॉय पोस्ट बनाया हुआ अपना, अनऑफिशियल ऑक्ट्रॉय पोस्ट रोक लिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो बंगाली ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से भागे थे 72-73 में वाया अफगानिस्तान, उनसे जाके पूछें कि अफगान ब्रदर उनके कितने साथ थे। वो जो उनकी औरतें गईं उनके साथ सलूक तो ठीक करते थे, बोलते थे आप बिल्कुल सही हैं वगैरह, लेकिन आप जितना भी गोल्ड वोल्ड है ना ये उतार दें। वो सब यहाँ से गए विदाउट ए सिंगल रिंग, ठीक है जी, क्यों? बोलते ये हमारा दस्तूर है, ठीक है, हमने आपसे बोले, और बिल्कुल नोबडी वाज टच्ड, नॉट ए सिंगल पर्सन वाज टच्ड और यू नो ब्रूटलाइज्ड, बट उनने आप उनको बिल्कुल विदाउट एनी गोल्ड, विदाउट एनी सिल्वर। अगर आप 10,000 गैलन तेल लेके निकलते हैं तो आप 1,000 गैलन तेल लेके पहुंचते हैं, आप तेल से पहुंच जाते हैं लेकिन आप उसका मुआवजा रास्ते में मुआवजा देते हैं रास्ते में, ठीक है जी, और वो आप देते हैं तालिबान को, देते हैं वो आप देते हैं गंजुओं को, देते हैं जो भी वहाँ पर गुंडा होता है उसको आप देते हैं। तो सैगल साहब हम क्या करें, बंद कर दें नेटो सप्लाई लाइन और वेट करें कि माजरत करें फिर और पैसे मांगें फिर और लड़ें? नहीं, मैं जी मैंने चंद चीज़ें लिखी थी 2 महीने पहले और मैं ये लिखता आया हूँ चंद सालों के लिए। सबसे पहले बात जी, हमें डिसंगेज करना चाहिए फ्रॉम द वॉर, हमें कहना चाहिए हम नहीं लड़ रहे। नहीं जी, हम आप अपना वॉर लड़ें, हमारा लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ है, हम अपना लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपसे हम आपके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ऑन दिस इशू, ठीक है, ये तो हमने कह दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंटेल शेयरिंग जो है हम सेलेक्टिव इंटेल शेयरिंग करेंगे आपसे, सब कुछ नहीं बताएंगे, हम सब कुछ नहीं बताएंगे आप, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप इंटेल शेयरिंग हमसे होप ना करें। तीसरी बात, आप ज़रूर ले जाएं सामान हमारे उसमें से, थ्रू पैसे दें उसके, ठीक है, हमें एड एक पैसा ना दें, हमको बिल्कुल आप ये जो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप आपने बनाई ना आप ना दें लेकिन हमें पैसे दें। लेकिन सैगल साहब टाइम बहुत थोड़ा रह गया ब्रेक से पहले, मुझे ये बात क्लैरिफाई करनी है, ये तो हो ही नहीं सकता सर कि हम इस वॉर से डिसंगेज कर दें और समझे कि अमेरिका हमसे डिसंगेज कर दें, क्योंकि हम तो चाहते हैं अफगान तालिबान की हुकूमत काबुल में। ठीक है, नहीं, सबसे पहले बात मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि हमारी जो यू नो दो हमारी पॉलिसीज जो है ना, विच आई से दिस वेरी ओपनली, हमारी एक पॉलिसी थी ईस्ट पाकिस्तान के बारे और हम कहते थे द डिफेंस ऑफ द ईस्ट लाइज इन द वेस्ट, तो हमने बड़े कम फौज वहाँ रखे हुए थे और ऑलमोस्ट 85-15 रखा हुआ था मशरिक की दफा मगरिब में, मगरिब में। अच्छा, दूसरा हमारा वो है कि अफगानिस्तान गिव्स अस डेप्थ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ठीक है जी। मैं बताता हूँ जी कि सम मोरन, उर्दू में कही, उर्दू में कही, मोरन तो आप उर्दू में उसके मजदार कहते हैं, तो नहीं कहूँगा आप कही यू नो कोई आई मीन कोई बोलते नहीं क्या अहमक कहते हैं, अहमक जी नहीं, ये पॉलिसी सोची कि यू नो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, हमारे सेंटेंस फिर से कही है सैगल साहब, किसी अहमक ने ये सोची कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमें मिल जाती है वहाँ पर, ठीक है जी। बात यह है कि हमें सिवा स्ट्रेटेजिक हेडेक की जी हमें कोई नहीं देता अफगानिस्तान। सैगल साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम ये अफगानिस्तान और पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ और हमारी असली पॉलिसीज़ और प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए और हम आगे किस तरफ जा रहे हैं, और फिर मैं ये भी चाहूँगा कि सैगल साहब हमें एज ए नेक्स्ट सोल्जर समझाएँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट होती क्या चीज़ है। आप देख रहे हैं सियासतमाना है, बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।